हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं टॉप 3 फॉर्मल शूज़ कलेक्शन। ये जो फॉर्मल शूज़ कलेक्शन है ये सेंट्रिनो ब्रांड की है और काफ़ी अच्छे, क्योंकि इसको मैं काफ़ी 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसके शूज़ तो काफ़ी अच्छे और प्रीमियम शूज़ है ये सारे, और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये शूज़ अगर लेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले जाएंगे। ज़्यादातर इसका जो शूज़ होती है ये प्यू मटेरियल से बनाया गया है, आपको देखने से पता नहीं चलेंगे। प्यू मटेरियल देखने से ऐसे लगेंगे ये लेदर मटेरियल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो शूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये काफ़ी अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग शूज़ है दोस्तों, और ये न्यू लॉन्च किया है सेंट्रिनो ने। इसका जो अपर मटेरियल है दोस्तों, ये कम्प्लीट प्यू मटेरियल से बनाया गया है, और देखने में आपको प्यू मटेरियल पता ही नहीं चलेंगे, फ़र्क पता ही नहीं चलेंगे, आप बोलेंगे ये लेदर मटेरियल है। इसका जो आउटसोल है दोस्तों, ये प्यू से भी बनाया गया है, इसलिए ये काफ़ी लाइट वेट हो जाती है और काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसके साइड में देख सकते हैं, इसका जो स्टिचिंग है बिल्कुल बारीकी से किया गया है, कहीं पर धागा निकला हुआ। इसकी बैक साइड में देखेंगे दोस्तों, शूज़ की बैक साइड में काफ़ी कुछ नहीं लिया गया है, इसलिए आप शूज़ को पहन के ज़्यादा टाइम तक चलेंगे तो भी आपकी पैर में कोई इचिंग या फंगल जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे, और शू बाइटिंग भी नहीं होगा आपकी। कंफर्टेबल के लिए इसमें 2 इंच की हील भी दिया गया है, जो कि जब आप शूज़ को पहन के चलेंगे तो सही डायरेक्शन पे आपकी पैर मुड़ेंगे। और इसमें दोस्तों 2-3 कलर है, एक है ब्राउन, ब्लैक और ये चेरी कलर है। ये शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों, और लॉन्ग ड्यूरेबल तभी होगा जब आप शूज़ को केयर करेंगे, क्योंकि ये लेदर शूज़ नहीं है, इसको आप पॉलिश नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिश नहीं कर सकते तो इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आप शाइनर से शाइनिंग करना होगा। पहले आपको कॉटन की कोई भी नॉर्मल मुलायम कपड़ा लेना होगा, उसके बाद इसको साफ़ करना होगा, उसके बाद शाइनर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ड्यूरेबल होगा ये शूज़ और काफ़ी टाइम तक चलेंगे। अभी ये अमेजोन पे दोस्तों काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आ रहा है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहीं से जाके इसको परचेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी सेंट्रिनो ब्रांड की है और ये बेस्ट सेलर शूज़ है दोस्तों। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसका जो मटेरियल दोस्तों बिल्कुल प्लेन मटेरियल है। इसमें खास बात ये है दोस्तों, शूज़ जो है शूज़ के साथ स्टिचिंग भी किया गया है पेस्टिंग के साथ, तो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाते हैं। इसकी लोअर मटेरियल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, टीपीआर से बनाया गया है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक रबर। ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और ग्रिप भी इसका अच्छे पकड़ते हैं, जिस सरफेस पर चलेंगे स्किन नहीं करेंगे ये शूज़। शूज़ की बैक साइड में देख सकते हैं दोस्तों, आपको 1.5 इंच का हील भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इसमें 2-3 कलर देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक, ब्राउन और चेरी कलर, ठीक है। इसकी जो मटेरियल है दोस्तों, जो अंदर की मटेरियल है इंसोल, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें कुछ नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तक आप पहन के रख सकते हैं। और ये TPR की बना होने के कारण ये थोड़ा लाइट वेट नहीं होते हैं, थोड़ा इसमें वेट आ जाते हैं, तो पहनने में तो काफ़ी आरामदायक है, इजीली आप इसको काफ़ी टाइम तक पहन के रख सकते हैं। क्या करने की बारे में बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो शूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये बाटा की है, काफ़ी कंफर्टेबल, लॉन्ग ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिक शूज़ है ये। अपर जो मटेरियल के बारे में बात करें दोस्तों, ये प्यू मटेरियल से बनाया गया है, काफ़ी ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसकी आउटसोल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी TPR से बनाया गया है, थर्मोप्लास्टिक रबर, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। इससे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप चाहे तो इस शूज़ को परचेज भी कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इनमें से कौन सी वीडियो सबको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब